आगामी 30 मार्च को तारानगर की धरा पर रामनवमी शोभा यात्रा के आयोजन के लिए आयोजन समिति की आज वार्ड नंबर 29 तारानगर ब्राह्मण पंचायत में बैठक हुई। बैठक में कार्यकारिणी का गठन किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को शोभा यात्रा में पहुंचने की अपील की गई। 2079 का जो नववर्ष वाला कार्यक्रम था गत वर्ष का, उसी को देखते हुए अपन ने इस बार भी नववर्ष का कार्यक्रम करने की सोची, लेकिन परीक्षा इत्यादि होने के कारण से इसको रामनवमी पर अपन ने शिफ्ट किया है। तो 30 मार्च को अग्रसेन चौक से 9:15 बजे प्रारंभ होगी ये शोभा यात्रा और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए और रामदेव जी मंदिर में जाके संपन्न होगी। और आप सब जानते ही हैं भगवान श्री राम है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक शब्द है जो हमें जोड़ता है, वो है भगवान श्री राम का। आप कश्मीर में अब जाएंगे तो भी भगवान श्री राम के नाम से आप पहचाने जाएंगे और कन्याकुमारी तक भी आप भगवान श्री राम को ही आप अपना इष्ट मानकर और अपने कार्यक्रम संचालित करते हैं। तो ये हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है और इसको संजोए रखना आप सभी हम सभी लोगों का ये दायित्व है। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि 30 मार्च को होने वाली ये भव्य शोभा यात्रा है, इसमें आप अधिकतम संख्या में पहुँचें। और यदि आप नहीं पहुँच सकते हैं, ऐसा अवसर हमारी ज़िंदगी में आना नहीं चाहिए कि हम नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं पहुँच सकते हैं तो उस दिन कम से कम अपने घर के ऊपर भगवा पताका लहराएं जरूर, अपने घर के आके रंगोली बनवाएं, अपनी माताएं जो बहनें हैं उनसे रंगोली बनवाई जा सकती है और अन्य प्रकार के कार्यक्रम किए जा सकते हैं। आप मोहल्ले के बीच में खड़े होकर और कुछ लोग दीप प्रज्वलन भी कर सकते हैं, ये भी एक रामनवमी या नववर्ष मनाने का एक तरीका हो सकता है। तो आप सभी राम भक्तों से मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम को पीछे जो हमने किया था भव्य, इसी तरीके से इसको भी अपन भव्य बनाएंगे। आप सभी से मेरा यही आग्रह है, भारत माता की जय, जय श्री राम।